चाहूँगा मेरी फ्रेंड नगमा अख्तर को, जिसने मुझे इनवाइट किया है, और मेरी काफ़ी दिल से उनको शुभकामनाएं हैं उनके इस न्यू एल्बम लॉन्च के लिए। और जो अभी हमने एल्बम लॉन्च इनका जो देखा है, काफ़ी ब्यूटीफुल सॉन्ग है, उसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में की गई है, और जो सिंगर है अल्ताफ सैयद जी, उनका वॉइस तो और उनके बारे में तो क्या कहना, सभी लोग जानते हैं। एंड जितने भी एक्टर्स हैं इसमें, सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है हमेशा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नगमा जी एंड उनकी जो सपोर्टिंग टीम है, सारे लोगों ने दिल से और अच्छा किया है, कुछ नया किया है और नया करने जा रहे, तो मैं उनको विशेष करता हूँ कि वो आगे बढ़े और कुछ नया करें, सारे नए लोगों का टैलेंट बाहर आवे। अभी फिल्म इंडस्ट्री में नए लोग का दौर आया, तो मैं उनको विश करना चाहूँगा, उनकी और उनकी पूरी टीम को, कि वो सक्सेस रहे। और बहुत अच्छा सॉन्ग था और मेरी शुभकामनाएं उनको है। अभी तो जैसे कोविड के हालात काफ़ी गंभीर चल रहे हैं, और हम जानते हैं कि अब एक डेढ़ महीने के अंदर सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम अपने इवेंट्स को काफ़ी लेकर आ रहे हैं, जो कि पनाश इमेज अवार्ड्स होता है, अचीवर्स अवार्ड होता है, प्लस मेरे जो फैशन शोज़ होते हैं, वो काफ़ी चीज़ें लाइनअप हैं जो हम जल्दी आएंगे, और हम उम्मीद के साथ भी एसोसिएट करने का सोच रहे हैं। ये जो सॉन्ग है ये एक रोमांटिक सॉन्ग है फुल ऑन, और बहुत दिनों से इस टाइप का सॉन्ग आया नहीं है, मतलब बहुत डेप्थ है इस सॉन्ग में, और इसके लिरिक्स भी बहुत ब्यूटीफुल है, अतिया सैयद ने लिखा है मेरी सिस्टर ने, और इसका शूट भी बहुत अच्छा हुआ है। इसके अंदर हमने पहली बार साउथ के स्टार हैं, कन्नड़ के बहुत बड़े स्टार हैं धर्मा कीर्तिराज, जिनकी काफ़ी सारी फिल्में हैं, उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग भी है कन्नड़ इंडस्ट्री में, तो उनको पहली बार हम यहाँ पर बॉलीवुड में हम उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत मज़ा आया। नगमा तो आप जानते हो, मतलब इतनी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस और इतना ब्यूटीफुल एक्टिंग तो आपने देखा ही है, तो बहुत उम्मीद है अब इस गाने से कि सब पब्लिक को अच्छी लगेगी और सॉन्ग भी अच्छा लगेगा पब्लिक को। जी, काफ़ी अच्छा गाना लगा, सबसे पहले तो बेसिकली हम लोग ने पूरा गाना बॉम्बे में ही शूट किया है, पालघर के साइड, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो धर्मा कीर्ति राज है साउथ के, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और उनका इतना ज़्यादा नाम है, रुतबा है कन्नड़ इंडस्ट्री में, फिर भी जब हम उनके साथ काम करने गए तो हमें एक भी पल ऐसा लगा नहीं कि थोड़ा टेंट्रम्स होंगे वो, या फिर थोड़ा सा एटीट्यूड वाले होंगे। ही वॉज सो नॉर्मल, और बहुत ही एक अच्छा सा फील था मतलब उनके साथ काम करने का, और जैसे आपने कंसेप्ट भी देखा, इट्स लाइक वेरी क्या बोले, एक स्वीट सा लव स्टोरी है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मैसेज भी है कि ज़िंदगी में बहुत सारी केसेस में आजकल स्पेशली ये देखा जाता है कि रिलेशनशिप में अगर एक रिलेशनशिप टूटता है तो बेसिकली क्या होता है कि लड़कियाँ सुइसाइड कमिट करती हैं या नशे करना शुरू करती है, उनको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बट ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बहुत प्रीशियस होती है, और एक रिश्ता टूटने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, एंड सुइसाइड करना या कुछ गलत तरफ जाना वो तो बिल्कुल ही सपोर्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने उधर देखा कि एक ब्रेकअप हुआ तो कोई ना कोई पीछे खड़ा था एक सपोर्ट देने के लिए, सो लाइफ नेवर एंड्स, इट गोज ऑन। इसमें हम यही मेनली दिखाना चाहते हैं कि किसी रिलेशन में आप अटके मत रहो, अगर इनकेस आपका रिलेशन नहीं चल रहा है या अब्यूजिव रिलेशनशिप में आप हो या कुछ भी वजह है, तो आपको लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, आगे दूसरा रिलेशन होगा या नहीं होगा, या अच्छा इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट होता है हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, तो इसलिए हमने इसकी स्टोरी भी ऐसी रखी है कि एक कपल है जिनका अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, बट एक दूसरा एक कैरेक्टर है इसमें जो उसको मतलब छुप छुप के बहुत प्यार करता है एक्चुअली, बट वो समझ नहीं पाती, पर धीरे धीरे उसको एहसास हो जाता है कि नहीं शायद वो ही मेरी मेरे लिए सबसे अच्छा है, तो यही बेसिक इसका स्टोरी का सार है। नहीं नहीं वो बहुत नहीं नहीं कम्युनिकेशन का बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं था,
वो काफ़ी अच्छा हिंदी बोलते हैं, और जब वो हिंदी बोलते हैं मुझे लगता है हमसे ज़्यादा तहजीब और तमीज़ उनके हिंदी में सुनाई पड़ता है। एंड ही वॉज वेरी स्वीट स्पोकन पर्सन, और ऐसे लोगों के साथ यू नो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम दोबारा मिले, दोबारा काम करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा था। और हमारा तो छोड़िए, पूरी जो हमारी यूनिट थी सब उनके फैन हो गए, और उनके स्वभाव इज वेरी 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 डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है। नहीं मतलब पूरा शूट ही फनी, मतलब इंटरेस्टिंग था हमारा बहुत, एक्चुअली बहुत सुबह से लेकर शाम तक मतलब काफ़ी हार्डवर्क भी हो, मतलब हो ही रहा था उसमें, बट साथ में हंसी मजाक चल रहा था आपस में, और बहुत लाइट माहौल में हमने शूट किया है, मतलब और धर्मा प्रेशर नहीं था बहुत बहुत, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स ही है तो बस खा रहे पी रहे थे और शूट कर रहे थे। एक्चुअली गाने में ये लिरिक्स एक जगह जाके ऐसे होते हैं कि ना पूछ के आए मुझे कितना मज़ा है, तेरे इश्क की दिल को लगी ऐसी हवा है ना पूछ के आए मुझे कितना मज़ा है, तो वहाँ से वो कितना मज़ा हमने टाइटल उठाया है। तो इस सॉन्ग का मतलब टोटल स्टार्ट से लेके एंड तक हमने डेप्थ बरकरार रखी है इस सॉन्ग में, जो लिरिकल जो डेप्थ होती है वो हमने बरकरार रखी, बहुत दिनों से ऐसा सॉन्ग आया भी नहीं है। देखिए रिमिक्स के बारे में मैं बोलूँगा, ये अभी जो वक्त चल रहा है, इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, सबसे ख़राब ट्रेंड चल रहा है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग हैं मतलब हमारे इंडिया में, हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, मतलब अच्छे कंपोजर्स हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, बट क्या हो रहा है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ने लग जाते हैं, तो और गधे इतना शोर कर लेते हैं कि वो लाइमलाइट में गधे आ जाते हैं, तो वो घोड़े थोड़ा सा पता नहीं चलता लोगों को ये टैलेंट अच्छा। तो ऐसा है कि अभी जो दौर है मैं मानता हूँ कि अच्छा दौर नहीं है, जैसे 80s में एक टाइम आया था कि मतलब एक म्यूज़िक इंडस्ट्री 70s में बहुत अच्छी थी, 80s के कुछ साल थोड़ा सा खराब हुआ था, उसके बाद फिर से एक अच्छा दौर आया, अच्छे मेलोडियस सॉन्ग्स बनना शुरू हुए, 90s का दौर तूफान एकदम बहुत अच्छा था, अभी आज के डेट में पब्लिक बहुत मिस कर रही है उस दौर को। थोड़ा बीच में अच्छा हुआ था, अरिजीत सिंह के कुछ सॉन्ग्स आ रहे थे, ओरिजिनल क्रिएशंस हो रहे थे, अच्छे सॉन्ग्स बन रहे थे, बट सडनली फिर अभी 3 साल से अचानक ऐसे ऐसे गाने आना शुरू हुए, सारे 90s के गानों को रिमिक्स करके बना रहे हो आप, ऑडियंस पे थोपा जा रहा है मुझे लगता है कि अभी अभी थोपना नहीं चाहिए, ऑडियंस मांग रही है अच्छे अच्छे गाने, न्यू अच्छे लिरिक्स, अच्छे ओरिजिनल सॉन्ग्स ऑडियंस मांग रही है, बट उनको मिल नहीं रहा है, वही हर कोई 90s को रिक्रिएट करने के पीछे पड़ा है, बट जब 90s इतना अच्छा आपको लगता है, पब्लिक को आपको लगता है कि पब्लिक को 90s के गाने इतने पसंद है, तो 90s तक के गाने बनाते क्यों नहीं हो, यहाँ टैलेंट की कमी थोड़ी ना, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा रिमिक्स को सपोर्ट नहीं करती, आई एम नॉट अ फैन ऑफ रिमिक्स सॉन्ग्स, क्योंकि मुझे ज़्यादातर 80s 90s के गाने ही बहुत पसंद आते हैं, एंड मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनती हूँ, मुझे उसके डीप में जाना होता है, उसके लिरिक्स को समझना होता है, फील करना होता है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज के ये 21st century में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है ना, कुछ गिने चुने सिंगर्स को छोड़ के गाने का जो लिरिक्स है ना, मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आता कि वो लिरिक्स हमें क्या सिखा रही है, किस जोन पे लेके जा रही है, हमारे लिए भी वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड जब हम जैसे लोग जो 80s 90s के गानों के जो फैन हैं, उनके लिए तो आप खुद सोचिए ना कि गाने की लिरिक्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि गाने में बहुत ज़्यादा पावर होता है, एक गाना आपको हंसा सकता है, एक गाना आपको रुला सकता है, एंड सॉन्ग इज़ ऑलवेज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड ओनली, जब कोई नहीं है तो गाना सुन के आप हंस सकते हो, दुखी हो तो सुन के और ज़्यादा दुखी भी हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं देयर आर मेनी सिंगर्स जिन्होंने इस चीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी है बहुत बुरी तरीके से। नहीं अच्छे अच्छे लोग भी, अच्छे सिंगर्स भी बहुत है, बट हो ये रहा है कि अच्छे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो बस जो शोर ज़्यादा कर रहे हैं उनको काम मिल रहा है, और पैसा बहुत लगाया जा रहा है, मतलब कम टैलेंटेड पे पैसा ज़्यादा लगा के उसको ज़्यादा लाइमलाइट दी जा रही है, और अच्छे टैलेंटेड लोग आप देखिए अभी भी सारे सिंगर्स लेजेंडरी सिंगर्स आज भी मौजूद है, बट आज उनके पास काम नहीं है, आप देखिए वही सिंगर थे जिनके गाने आपको आप सुनते आ रहे हैं, सब पसंद, सारे बड़े बड़े सिंगर्स आज सब लोग हैं, बट आप देखिए काम किसको मिल रहा है, काम किसी ऐसे को मिल रहा है जो उनसे बहुत कम टैलेंटेड है, तो ये थोपा जा रहा है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि ये एक मोनोपोली चल रही है जिससे ये थोपा जा रहा है, नए नए आर्टिस्ट आ भी रहे अच्छे तो उनको साइडलाइन करके थोड़ा सा रिलेशन को ज़रा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जिनका जिसके साथ रिलेशन अच्छा उसको काम देंगे।
मतलब मेरे लाइफ में म्यूज़िक की क्या जगह है? अब डेफिनेटली म्यूज़िक तो म्यूज़िक ही मेरा पैशन है, म्यूज़िक ही सब कुछ है. मतलब म्यूज़िक के लिए ही अभी से नहीं, मतलब बचपन से, जब मैं इस लाइन में था भी नहीं तब से मेरा यही था कि मतलब मैं म्यूज़िक करूँगा तो म्यूज़िक ही करूँगा, सिंगिंग, कंपोजिशन, एवरीथिंग, एंड बस वही कर रहा हूँ. आपने पिछले दौरान कई हिट्स गाने दिए, अभी आपके आने वाले कितना मजा है उसके बाद में और कौन से आने वाले? अभी कितना हम, मेरा पहले नैनो की बात नैना जाने काफ़ी वायरल गाना हुआ था, फिर तेरे जिस्म टूट जी म्यूज़िक से काफ़ी सारे मेरे गाने, वो काफ़ी व्यूज़ उसके गए, मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए. और अभी कितना मज़ा है के बाद भी, और हम उम्मीद फिल्म सन एंटरटेनमेंट के साथ हम लोग मिलके बहुत अच्छे अच्छे नए नए सॉन्ग्स और नए नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. सब अलग अलग चैनल्स पे आएंगे, कुछ गाने सॉन्ग्स बास्केट पे आएंगे, कुछ गाने जी पे आएंगे, सब अलग अलग जगह पर हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिलीज़ हो. ये सॉन्ग्स बास्केट एक म्यूजिक चैनल है, वहाँ से हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं, इस गाने को, पर्टिकुलर गाने. कितना मज़ा आएगा, जिनके साथ हमारे आगे भी फ्यूचर में कोलेब्रेशन में बहुत सारे सॉन्ग्स आने वाले हैं, तो देखते हो फॉर द गुड के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाए और नए नए जितने भी लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ में जोड़े, मतलब अच्छे टैलेंटेड लोग साथ में जोड़े और नए नए लोगों को भी मौका मिले जितना हो सके. पहले तो मेरा नाम है हबीब मिठीपुर वाला, कलाकार हूँ, एक्टर हूँ और सेलिब्रिटी एंकर भी हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू उम्मीद फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट और नगमा अख्तर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोला. जैसे उन्होंने कहा कि गुवाहाटी से यहाँ का सफ़र बहुत मुश्किल था, तो दिस इज़ द वुमेन पावर. और जो इंडिया जो कहता है कि मुलगी शिकली प्रगति झाली, तो ये है कि प्रगति के आज की फीमेल जो नारी ताकत है, ये नगमा को देख के पता चलता है कि आज की फीमेल्स कितना आगे बढ़ रही है. एंड उनका जो ये गाना है कितना मज़ा है, तो मैं यही बोलूँगा दर्शकों को कि प्लीज़ देखिए. लॉकडाउन में तो सबका मज़े उड़ गया है, पता ही नहीं कि मज़ा क्या होता है. एटलीस्ट ये गाना देख के एक स्माइल आएगी, मुस्कुराहट आएगी, एक जीने की चाह आएगी. बिकॉज ये गाने में दिखाया है कि अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जब हमको लो फील होता है कि आदमी सुसाइड, लॉकडाउन में काफ़ी लोग ने सुसाइड किया, तो ये एक इंस्पिरेशन है गाना कि आप गाना देखिए, आपको एक होप मिलेगा कि नहीं इसके लिए भी एक रीज़न है. क्या पता लॉकडाउन के बाद एक यू नो एक सूरज की किरण आ जाए और एक नया काम हो, कितने लोग के जॉब चले गए, तो एक होप वाला सॉन्ग है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द यू नो माय फ्रेंड्स और ये नगमा अख्तर के फैंस, अल्ताफ सैयद जी जिन्होंने बेहतरीन म्यूजिक दिया है, म्यूजिक डायरेक्टर है, संगीत भी इन्होंने दिया है, सो इनके भी फैंस है, और सारे दर्शकों को रिक्वेस्ट करूँगा ये गाना ज़रूर देखें. एक होप है, बी काइंड, और ये टाइम है बी काइंड का, सो लेट्स बी काइंड एंड सपोर्ट दिस सॉन्ग. थैंक यू. पहले सबसे पहले तो जैसे नगमा को और अल्ताफ भाई को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, और बहुत खुशी होती है जब ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है, और मैं कहीं मौका नहीं छोड़ता कि किसी की खुशी में उस खुशी का पार्ट बन सकूं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. और फिल्म इंडस्ट्री ये जो इनिशिएटिव है, आई गेस मैं सॉन्ग्स की बात तो बाद में करूँ, क्योंकि क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन देयर मेनी पीपल हुआ जॉबलेस नाउ, हुआ नॉट गेटिंग वर्क. सो आज की डेट में अगर ऐसा इनिशिएटिव लेके एक प्रोडक्शन और सेटअप करना एंड इतना अच्छा गाना खूबसूरत तरीके से बनाना, दैट इज़ वेरी वेरी प्रेशियस. एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अल्ताफ भाई ने मेरी एक फिल्म में दोस्ती की साइड इफेक्ट में गाना गाया था और तभी मैं उनका फ़ैन हो चुका था. तो जब नगमा ने मुझे बताया कि उन्होंने इस फिल्म में इस एल्बम में गाना गाया है, तो लाइक यार आई वॉन्ट टू कम और उनकी खुशी का हिस्सा बनना है मुझे. तो और जब गाना देखा तो इट्स वेरी मेलेडियस, आप बोलेंगे ना कि फूल झड़ रहे गाने में से. और जैसा अल्ताफ भाई ने बताया कि ये एक्चुअल में आज की डेट में जनरेशन गैप इज हैपनिंग, द ऑडियंस इज डिफरेंट, सो उन लोगों को वो चीज़ देखने को मिल ही नहीं रही है, तो रिक्रिएशन का दौर चालू हो गया. अब रिक्रिएशन की वजह से अब जो आज की जनरेशन है उन्होंने एक्चुअल ओरिजिनल गाना तो देखा ही नहीं, तो उस वजह से रिक्रिएशन की वजह से उनको लगता है वही ओरिजिनल है, बट जो एक्चुअल था वो 90s में था. बिकॉज आई एम 90s गाय, आई एम दैट काइंड ऑफ गाय हु ऑलवेज, मैं अपने स्कूल टाइम में 90s 2000 के गाने सुन के बड़ा हुआ और वही मुझे पसंद आते हैं. तो ओरिजिनलिटी इज मिसिंग आज की डेट में, जो हमें इस गाने में देखने को मिलेगी कि ओरिजिनलिटी है. और बहुत अच्छा पिक्चराइज है, नगमा बहुत खूबसूरत लगी हैं और भाई बहुत अच्छे लगे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह गाना बहुत हिट होगा. और कोशिश यही है कि जितना लोग आप लोग जितना शेयर कर सकें, मल्टीपल व्यूइंग कर सकें, उतना अच्छा है. बिकॉज दिस सॉन्ग डिजर्व्स व्यूइंग, दिस सॉन्ग, दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स यू नो, ये डिजर्व करते हैं आगे बढ़ना और आगे इनकी व्यूइंग बढ़े. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. या विश दिस सॉन्ग एंड प्रोडक्शन हाउस बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की जिमी पे एक मूवी की है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। दैट्स आई वाज अवॉइडिंग के मीडिया के सामने। आज ही ट्रेलर रिलीज हुआ है और न्याय द जस्टिस का इट्स ट्रेंडिंग टॉप 10 में ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मैं बहुत खुशगुजार हूँ। मतलब लाइक बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि रोल मुझे मिला था। हमेशा एवरीवेयर वेर एवर आई एम गिविंग इंटरव्यूज आई एम टेलिंग दिस थिंग ओनली दैट न्याय द जस्टिस इज द इंस्पिरेशन काइंड ऑफ फिल्म, और क्योंकि अब कोर्ट का जो फैसला है वो हम लोगों के फेवर में है, फिल्म मेकर्स के फेवर में है, तो दे आर रिलीजिंग द फिल्म एंड आज ही ट्रेलर आया है, तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानता हूँ मैं अपने आप को। क्योंकि जितनी भी डिटेल है वो तो बाकी इंटरव्यूज में मैं दे चुका हूँ, बट हमेशा यही कहूँगा कि एक एक्टर का एक एक्टर से कनेक्शन है वाला वो ट्रिब्यूट है, और एक लेजेंड को मेरी एक्टिंग के जरिए उनके स्किन में जाके ट्रिब्यूट देने की कोशिश की। खाली बता दीजिए कहाँ देखना है, तो पता चला आके आके हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एक्चुअली मैं मुझे पहला मौका मिला है लाइफ में एक वीडियो काम करने का इनके साथ, खासकर नगमान जी के साथ और अलता भाई के साथ, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था इस वीडियो में। हमारी मैडम जी का एक्चुअली प्लान था स्टार्टिंग से ही उम्मीद फिल्म का प्रमोशन खोलने का, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मैं उनके साथ एक्चुअली में स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था एज अ इवेंट के तौर पे, तो उन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा हमारे सामने इनके सामने भी ऐसा खोलने का, तो फिर हमने साथ में प्लान किया प्रोडक्शन खोलने का, तो उसी तरह जुड़ गया। और हमारा मेरा एक्चुअली में पहले से प्लान था एक्टिंग लाइन में आने का, इंडस्ट्री लाइन में आने का, तो उस हिसाब से फिर इन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पर काम करने का एज अ एक्टिंग, इसमें काम दिया तो मुझे बहुत ऐसा लगा इसमें काम करके, बहुत मज़ा आया। नहीं मुझे तो बहुत मजा आया, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम साउथ के इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और बहुत ही मज़ा आया मुझे। इनफैक्ट हमारी मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी सेट पे, मतलब मैं नगमा राहुल और धर्मा कीर्तिराज, हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग बैठ गया, मतलब एक सेट इस काम करके हमको परमानेंट फ्रेंड्स भी मिल गए, हम लोग वी आर द परमानेंट फ्रेंड्स नाउ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा।
मेरा पार्ट तो सिर्फ ये था कि मैं अपने गाने को ही लिप सिंग कर रहा था बस, एज अ सिंगर परफॉर्म, एज अ सिंगर एक्ट कर रहा था उसके अंदर। बाकी एक्टिंग तो ये लोग सब इतना अच्छा, इन लोगों ने बड़ा बहुत अच्छी एक्टिंग की, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो नगमा जी, म्यूजिक के पार्ट, म्यूजिक वीडियो के पार्ट, आप आजकल कैसा कि बॉडी शेमिंग होती है बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में, जैसे रिसेंटली केआरके ने भी कई के बारे में बॉडी शेमिंग की थी, तो उस पर आपकी क्या राय? बॉडी शेमिंग मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब इट्स अ वेरी बिग टॉपिक बॉडी शेमिंग, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं समझ पाती हूँ कि टैलेंट, कला, धर्म, जात, काला गोरा, पतला मोटा देख के तो नहीं आता होगा। मुझे, मेरी ये सोच है, कला किसी के अंदर भी हो सकता है, तो हम उसको, वो काला है, वो गोरा है, वो ज़ीरो साइज़ है, वो थोड़ी सी हैवी है देखने में, वो चीज़ से कला का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सी, मैं अपने बारे में अगर बोलूँ, आई एम नॉट अ ज़ीरो साइज एक्ट्रेस, आई ऑल्सो लुक लिटिल हैवी, बट मैं कम्फर्टेबल हूँ। अगर मुझे ऐसे मेरी ऑडियंस पसंद कर रही है, तो मुझे बाकी लोगों के बारे में कोई टेंशन नहीं है। और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि एक इंसान को, कोई आर्टिस्ट हो, नॉर्मल अल्ताफ या कोई भी हो, एक इंसान को दुनिया का 100% इंसान सपोर्ट करे, प्यार करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो जितने लोग भी मुझे इस तरीके से पसंद करते नगमा को, मैं उनके लिए हमेशा हूँ, हमेशा काम करते जाऊंगी। और मुझे अपना, क्या बोलते हैं, नॉट ज़ीरो साइज होने का कोई भी अफसोस नहीं है। बट एज एन एक्ट्रेस, या हम लोग भी वर्कआउट करते हैं, हम लोग भी डाइट करते हैं, बट वी नेवर नो कौन एक्टर, कौन एक्ट्रेस कैसे मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी मेडिकल इश्यूज जिसके वजह से आपका, यू नो, वेट गेन होता है या वेट इतनी जल्दी कम नहीं हो पाता है, और आपको महीनों महीनों भर लग जाते हैं उससे क्या फाइट करने में। बट दैट डजंट मीन कि यार, कि आप उस जर्नी में आप खुद डिप्रेस हो जाओ ये सोच के कि अरे यार, मैं ज़ीरो साइज़ की नहीं हूँ या मैं बिल्कुल पतली नहीं हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं कैसे मिलेगा। सो दैट्स रियली अ रॉन्ग थिंग। अगर आप में कला है, तो कला की कोई धर्म, जात, पात, कोई पतला मोटा कुछ नहीं होता। कला अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट हाँ, वही बात है, तो उसको उस चीज़ से ना मर्ज करें। एंड ये बॉडी शेमिंग के वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। इस बॉडी शेमिंग में बहुत सारे लोगों की जान भी ली है, क्योंकि वो क्या करता है कि जब आपको बॉडी शेमिंग से, यू नो, आप रूबरू होते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, आपको बहुत डीमोटिवेट कर देता है। इट मेक्स यू वेरी डाउन। सो उससे जूझना भी कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत बड़ी फाइट है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से एवरी गर्ल्स एंड बॉयज आउट देयर हु इज़ नॉट ज़ीरो साइज, कभी भी ये मत सोचिए और ये सोच के डिप्रेस तो बिल्कुल ही नहीं होना है कि आप लोग फिट नहीं हो या ज़ीरो साइज नहीं हो। अगर आपको अपनी कला पे यकीन है, देन देर आर सो मच इन द वर्ल्ड बियॉन्ड ज़ीरो साइज और मस्कुलर बॉडी जिसे बोलते हैं। सो अपने अपने कला के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करिए। एंड येस, उम्मीद इज़ देयर फॉर एवरी वन। उम्मीद एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म है, सबके लिए है। और अगर आप में टैलेंट है, देन येस, यू कैन कम टू उम्मीद फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट, एंड इट इज़ मोस्ट वेलकम, इट विल मोस्टली वेलकम एवरी वन हु हैज गॉट बंडल ऑफ टैलेंट। नेक्स्ट प्लान ये है कि फिलहाल वी आर कमिंग अप अगेन विद फ्यू मोर म्यूजिक एल्बम्स, एंड उम्मीद फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट कभी शांत बैठेगी नहीं, सो विल कीप ऑन डूइंग सम ऑफ द अदर थिंग। तो फिलहाल तो हम लोगों की वेब सीरीज की प्लानिंग चल रही है, बट इन अ मीनवाइल विल कम अप विद लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक ट्रैक्स sung by our very own Altaf Sayyed. Yeah, not only me, with others also. With many more, yeah, others also. But now we are presently coming up with 2 to 3 music album, which is also sung by Altaf. So, बहुत जल्द उसका भी releasing में will call साहब सबको. Next song भी बहुत interesting है. नहीं, basically हम लोग की planning चल रही है, because web series it takes time, थोड़ा वक्त लगता है वैसा content ढूंढ के उस चीज को उस तरीके से present करने में. तो इन अ मीन वाइल हम लोग अभी बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के गाने, अलग अलग जॉनर के गाने। उम्मीद फिल्म का एक्चुअली बहुत पहले से भी एज सच प्लानिंग कुछ था नहीं उम्मीद को लेके, बट एक्चुअली इट हैपेंड व्हेन सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन का टाइम था, एंड आई वॉज एट माई होम टाउन,
तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा क्योंकि हम लोगों की भी कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. हम खुद अपने घर गांव से सिटी से उठ के बॉम्बे माया नगरी आते हैं. बहुत लोग अपने घर से फाइट करके आते हैं, बहुत लोगों को घर से सपोर्ट नहीं मिलता, तो किसी भी तरह लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए बॉम्बे माया नगरी पहुँच जाते हैं. तो सुशांत हम आम लोगों में से ही कोई एक था जिसने अपने दम पे आज वो जहाँ पे भी था उतना वो जा पाया, उतना उन्होंने कामयाबी हासिल की है. तो जब सुशांत का डेथ हुआ तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि यार काश मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस खोलूं जो सुशांत जैसे हज़ारों लोगों के लिए एक आम प्लेटफॉर्म हो, ताकि किसी को ये नहीं सोचना पड़े कि यार वो हमारे पहुँच से बहुत ऊपर है, हम जैसे लोग उस प्रोडक्शन हाउस में नहीं जा सकते, या वो प्रोडक्शन हाउस हम जैसे लोगों को काम नहीं देगा. तो इस चीज़ को थोड़ा मिटाना था. तो एक साल से वो प्लानिंग चल रही थी, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आया, जैसे कहते हैं कि हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है. तो एक साल बाद वैसा हुआ कि बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कस की, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, और उन्हीं में से एक जन ऐसे व्यक्ति हैं अशोक जैन, जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और उन्होंने ही हमारे गाने कितना मज़ा को प्रोड्यूस भी किया है. हाँ, तो वो एक फैमिली जैसे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनका आशीर्वाद के वजह से भी आज एक साल पुराना जो एक साल पुराना जो एक सपना था, एक सोच थी, उम्मीद, वो हकीकत बन गई एक साल में. तो बस उसी तरीके से फिर सोचा गया कि चलो प्रोडक्शन हाउस खोला जाए तो नाम क्या रखना चाहिए. तो मुझे लगा कि अगर उम्मीद से बेहतर कोई नाम हो नहीं सकता, क्योंकि उम्मीद का मतलब ही है आशा की किरण. उम्मीद एक्चुअली सबके लिए उम्मीद ही है. हाँ, हर टैलेंटेड इंसान के लिए उम्मीद एक उम्मीद है. उम्मीद की नज़रों से देख सकते हैं, वो उम्मीद में आ सकते हैं और उम्मीद में ट्राई कर सकते हैं कि उनको कोई रोल मिल जाए या कहीं भी कुछ भी. अपने अपने फील्ड से अगर लोग आते हैं तो उनको यहाँ पर बिल्कुल वेलकम किया जाएगा. बिल्कुल, तो उसी तरीके से उम्मीद नाम रखा गया, और अब हम यही चाहते हैं कि उम्मीद को आगे लेके जाना है, और उम्मीद कोशिश करेगी कि हर उन आम लोगों तक उम्मीद फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट को हम पहुँचा सके, जिसके पास कला है, कहीं पर भी हो, जितने भी दूर गाँव गलियों में कोई भी हो. तो उम्मीद सबके लिए एक अपना प्लेटफॉर्म है, एंड बस वही आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि उम्मीद को हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाए. एंड बस आप हमेशा अपनी दुआओं में उम्मीद को हमें याद रखिए, एंड प्लीज़ शावर लॉट्स ऑफ लव टू आवर न्यू सॉन्ग कितना मज़ा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. या थैंक यू.